प्रिंटेड नीली शर्ट देखी है तुमने? आपको हमेशा वही शर्ट क्यों पहननी होती है जो आसानी से ना मिले? कोई दूसरी पहन लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, कुछ और पहन लूंगा। पहले आप मेरी जरा मदद कीजिए। आज शादी के लिए मैं कौन सी साड़ी पहनकर जाऊं? मालू, तुम सोचना शुरू करो, मैं अभी जरा गेम खत्म करके आता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब भी साड़ियों के बारे में आपके साथ कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसकने की कोशिश करते हो। बताइए ना, कौन सी पहनूं? वो पीली वाली? शिफॉन। शिफॉन? शिफॉन तो मैं टेनिस शूज के साथ मॉर्निंग वॉक पे ना पहनूं। आप भी कमाल करते हो जी, इतनी सारी आपको साड़ियां दिखाई, इतनी चॉइस दी, आप है कि वो साड़ी हुई शिफॉन पे ही आपकी नजर आ रही। लाल, ये लाल वाली कैसी रहेगी? यही पहनकर जाना। एक्चुअली ये मैंने परसों के लिए निकाली है। परसों हमारी सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप है, मैंने सोचा ये लाल वाली उसके लिए मैचिंग रहेगी, है ना? ये कैसी लगी आपको? अरे ये तो मैंने देखी ही नहीं। ये पहनकर तुम वाकई बहुत खूबसूरत लगोगी। मुझे पता है आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते, इसीलिए मैंने पूछा। ये साड़ी नहीं है, शॉल है, शॉल मिस्टर शाणे। मैचिंग ब्लाउज के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अरे इस पर मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? ये तो मैंने कभी पहनी नहीं। अरे पहनी तो क्या, ठीक से छुई तक नहीं। ये अपनी रश्मि की सगाई पर मिली थी, मैं यही पहनूंगी। बॉर्डर कैसी लगी? कैसी बात करती हो मालू, साथ में ही तो देखी थी, कमाल की पिक्चर थी ना। अरे मालती तू? अलका, सॉरी। माय, गुजराती पहनी है तभी तो पहचाना नहीं। कितनी बार हम लोग मिलने का प्लान बनाते हैं लेकिन मिलते हैं तो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में। अच्छा ही है ना? हाँ नहीं नहीं अच्छा है कि हम लोग कम से कम फैमिली फंक्शंस में तो मिल लेते हैं। हाँ। ये साड़ी रश्मि की रश्मि उसकी सगाई में मिली थी। अच्छी है। वैसे भी इन डार्क कलर की साड़ियों में तुम्हारे वजन का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मेरे वजन का अंदाजा मतलब? दिल छोटा नहीं करते मालती, अब देखो ना, उम्र के साथ साथ वजन तो बढ़ेगा ही ना। ओए सच्ची, तब तो तेरा वजन कहाँ कहाँ बढ़ता है, कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन बढ़ता ही नहीं।
और घर का सारा काम करते करते। घर का सारा काम? हाँ। अलका, घर का सारा काम तो तेरी सास करती है। लेकिन खाना बनाती है, परोसना तो मुझे ही पड़ता है ना। अब देखो ना, छे छे प्लेट निकालो, रोटी परोसो, सब्जी परोसो, चावल परोसो, दाल परोसो, चटनी। हाँ हाँ, इतना काम करेगी ना दुबली हो जाएगी तू तो। लेकिन अच्छा है ना, वरना शशि मौसी का दिया हुआ शालू मुझ पर बिल्कुल नहीं जचता। कितना भारी है, कितनी सुंदर साड़ी है। साड़ी नहीं, शालू। हाँ वही पटना सिल्क है ना? नहीं नहीं, पटना सिल्क में जरी थोड़ी ना लगती है। ये तो बनारसी है, बनारसी। बस एक बार पहन लूं, जान में जान आ जाएगी। तुझे भी तो साड़ी देने के लिए बुलाया है ना? साड़ी नहीं, शालू। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। इट्स ओके। और वैसे भी तू उसकी लाडली है ना, तेरा शालू तो देखने लायक होगा। और रहने दे। एनीवे, मैं निकल रही हूँ। बेस्ट ऑफ साड़ी, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। मुझली, तू अलका का बेटा है ना? हाँ। आइसक्रीम ऐसे खाते है? सारा कुर्ता गंदा कर दिया। गीजल कर दिया होता तो? हाँ होता तो। मम्मी मम्मी मम्मी। पता नहीं मेरी साड़ी कैसी होगी। अच्छी होगी। एक ही तो बेटी है उसकी, उसकी शादी में खर्चा नहीं करेगी तो कब करेगी? कीमती तो होगी, बस रंग मेरी पसंद का हो। पिंक जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। हाय मालती। हाय कांता। किसे बातें कर रही हो? नहीं बस मैं तो यूं ही देख रही थी। ये सारी चीजें सुषमा ने बनाई है। अरे रियली, बहुत अच्छा। पिछले 12 सालों से सिद्धि विनायक के बाहर हर मंगलवार को सुबह 4 बजे से ही लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। क्या भगवान ये सब नहीं जानता? वो मुझे निराश नहीं करेगा, मेरी साड़ी जरूर अच्छी होगी। अरे ये माचिस की खाली डिब्बों का बंगला भी उसी ने बनाया है। उसने कोर्स किया है इसमें। बहुत टैलेंटेड लड़की है। शादी पर कितना खर्चा किया है? अगर खर्चा कम करने की बात उठी तो रिश्तेदारों पर ही असर पड़ेगा। क्या जरूरत ही इतने बड़े होटल में ठाट बाट करने की? हमारे समाज का हॉल क्या कम अच्छा है? अगर वहां शादी की होती तो एकाद कांजीवरम तो मिल ही जाती। चलो देखते हैं, 5-स्टार होटल में रिसेप्शन रखा है, कांजीवरम न सही धर्मावरम तो मिलनी ही चाहिए। अरे ये सब पुराने बल्ब और वायर यहाँ कौन छोड़ गया? अरे अरे अरे, क्या कर रही हो मालती? ये तो सुषमा ने बनाया है। सुषमा ने बनाया है? हाँ, उसने तो मॉडर्न आर्ट का भी कोर्स किया है। मालू, ए मालू। आई शशि मौसी। कांता, मैं चलती हूँ। हाँ का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा, लाया लाया लाया।
तुझे तो इसमें से एक भी साड़ी नहीं मिलने वाली है। क्या? अरे हाँ, तुझे तो इसमें से एक भी साड़ी मिलने वाली नहीं है। तेरे लिए तो मैंने अलग साड़ी निकाल के रखी थी। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर ये साड़ी किसी दूसरे को पसंद आती तो, इसलिए मैंने छुपा कर रखी थी। थैंक यू शशि मौसी। ले। थैंक यू सो मच। जीती रहो जीती रहो। अरे सुन, सुषमा शनिचर को हनीमून से वापस आ रही है और संडे को रिसेप्शन रखा है। हाँ। तू जरूर आना और सबको लेकर आना। हाँ, और यही साड़ी पहन कर आना। हाँ, यही साड़ी पहन कर आऊंगी। थैंक यू शशि मौसी। अरे हाँ, खार 10th फ्लोर। मैडम, इस कपड़े को साड़ी ही कहते हैं ना? ड्राइवर, घर चलो। और वो शशि मौसी की सबसे लाडली समझती अपने आप को। क्या लाडली? अरे आंटी ने तो खुद मुझसे कहा, मानू उसके घर 3-3 बार खाना खाने गई, एक भी बार आंटी को अपने घर नहीं बुलाया। अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया वो वाली साड़ी देखकर। अरे वही नहीं, शशि मौसी ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि रिसेप्शन में वही वाली साड़ी पहनकर आना। अरे मुझे लगा कि मालूम वो साड़ी पहनकर आएगी तो अपनी फैमिली फंक्शन में कुछ तो कॉमिक रिलीफ मिलेगा। मौसी तुम भी जाओ। मैम साहब, आ गया आपका घर। मैम साहब, घर आ गया आपका। पैसे कितने हुए? आप भी कमाल करती हैं मैम साहब, किसी ने इतनी घटिया साड़ी देकर आपके साथ इतना घिनौना मजाक किया है। इसके अजीब से कलर कॉम्बिनेशन का सदमा जाने कैसे बर्दाश्त किया होगा आपने। नहीं, मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि किसी दुखियारे से किराए का पैसा ले लूँ। क्या? 42 रुपए हो गए। हाँ। कमाल है, इतनी गंदी साड़ी मिलने पर 58 रुपए टिप। अगर किसी ने कांजीवरम दी होती तो इसने मुझे ट्रक खरीद कर दिया होता। सेवकराम, सेवकराम, दरवाजा खोलो। एक मिनट, मेरी गेम कभी पूरी ही नहीं होती। ये सेवक राम भी ना। अरे तुम, लेकिन तुम तो कह रही थी कि, अच्छा ये मैं कैसे भूल गया, शशि मासी ने अपनी लाडली मालती को साड़ी दी है। जरा खोल के देखो तो सही। नहीं, इस पैकेट को मत खोलिए, इसे मत खोलिए। अरे मालती, मैं कहाँ खोल रहा हूँ, तुम ही कहो। आज तक मैंने कभी खोला है? नहीं, नहीं। देखिए, देखिए, मुझे दे दीजिए वो पैकेट मुझे दे दीजिए। मैं कह रही हूँ आपको, मत खोलिए, मत खोलिए। ओके, 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 मैं नहीं खोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें हो क्या गया है? अच्छा, तुम ही तो कहती हो ना कि साड़ी की तारीफ मुंह से नहीं, आंखों से की जाती है। तो लो, जाओ पहन कर आओ। नहीं नहीं, ये साड़ी मुझे शशि मौसी ने गलती से दे दी है। किसी और की साड़ी मेरे पास गलती से आ गई है। तो क्या हो गया? शायद ये साड़ी उस साड़ी से बेहतर हो। ची, 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 ऐसा मत बोलिए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये साड़ी के सामने ठहरिए, मैं इसे पहनकर आती हूँ, तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे।
माँ मुझे शक्ति दे। माँ माँ मुझे शक्ति दे। सुनते हो? मालू तुम तो चलता फिरता चाइना टाउन लग रही हो। मैंने आपसे कहा था ना शशि मौसी से गलती हो गई है। नहीं 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 शशि मौसी से गलती नहीं हुई है, तुमसे गलती हुई है। तुम साड़ी के बजाय कारपेट उठा लाई हो। ये साड़ी ही है। ठीक है बाबा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन क्या क्या तुम ये साड़ी पहनोगी? दिमाग खराब हो गया आपका? ये साड़ी पहन करके मैं अगर बाहर जाऊंगी तो लोग डर के मारे बंबई बंद कर देंगे। अरे मालू मैं तो भारत बंद तक भी सोच सकता हूँ। नहीं 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 ये साड़ी तुम्हें शशि मौसी को लौटानी पड़ेगी। कैसे लौटा सकती हूँ मैं? उन्होंने इतने प्यार से मुझे दिए, उनका दिल टूट जाएगा। तो फिर एक बार पहनकर शशि मौसी के सामने चले जाओ, वो तुम्हें तुरंत दूसरी साड़ी दे देगी। एक बार पहन करके शशि मौसी के सामने चले जाओ, आप जानते नहीं है उन्हें एक अटैक ऑलरेडी हो चुका है। एक मिनट मालू, मुझे लगता है हम दोनों शायद ये साड़ी को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट? दो तीन बार पहनने के बाद शायद क्या पता आदत सी पड़ जाए। देखिए जी आप इस मामले में मत बोलिए, आप नहीं समझते। अगर किसी भी औरत ने एक बार गलत साड़ी पहन ली तो उसकी जिंदगी की बनी बनाई इमेज एक सेकंड में चकनाचूर हो जाएगी। मैं तो ये साड़ी पहनने से रही। देखो मालू, माना कि ये साड़ी तुम पर बहुत ही तुम्हें सूट नहीं करती, लेकिन क्या पता शायद कोई नया फैशन हो। क्या पता दो तीन हफ्तों में ऐसी साड़ियां पहनने वाली कई सारी औरतें नजर आए। वो जो भी है, लेकिन मैं इसका क्या करूं बताइए ना। कुछ ही समय में नैना वापस आएगी ऑफिस से, तुम ये साड़ी उसे दे दो, कह देना कि उसके लिए खरीदी है। अरे भाई जब फैशन डिजाइनर घर में ही है, अगर उसे पसंद आ जाए तो फिर बात ही क्या है। हाँ, दे दो। हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी बदल दो। मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो क्या बताऊँ यारो। नैना तू कब आई, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। ओ भाभी शादी कैसी थी? अच्छी थी अच्छी थी, लेकिन खाना बहुत सोसो था। हा? पता नहीं ये 5-star वाले मटन मसाला में किशमिश क्यों डालते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन नैन आज तेरे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? भाभी इस बार कौन है, 6-2 का कोई डॉक्टर या 5-7 का कोई इंजीनियर? अरे नहीं रे लड़का नहीं, आज शादी से आते हुए मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या है भैया? साड़ी, तेरी पहली साड़ी। अरे नैना इसमें मुंह टेढ़ा करने की क्या बात है? Obviously भैया साड़ी और मैं, पिछले 25 सालों में आपने कभी मुझे साड़ी में देखा है क्या? अरे लेकिन ये पहली साड़ी बिल्कुल यूनिक है। तू एक बार पहनकर देख तो ले, इतनी अच्छी। बोलिए ना आप भी। अरे ये तो खाली है। मालू तुम्हारे रूम में छूट गई होगी। रहने दीजिए भैया, मैं समझ गई। मेरे यहाँ आने से पहले ऑब्वियसली भाभी ने साड़ी ट्राई की होगी और भाभी को सूट नहीं की होगी, इसलिए साड़ी मेरे गले डाल रहे हैं, है ना? नहीं नहीं
बिल्कुल उल्टा। नैन मुझ पर इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा तुझ पर तो क्या खिलेगी। मैम साहब खाना लगा दिया है। बाद में बाद में। आ रहे हैं। आप जाके लाइए ना साड़ी। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं बाद में फैशन शो, है ना नैना? मुझसे क्यों कह रहे भैया, मॉडल से कहिए। मॉडल मैं नहीं, तू बनेगी। लेट्स सी। हाँ हाँ लेट अस सी। तुझे इतनी अच्छी लगेगी एक बार पहनेगी, उतारने को जी नहीं करेगा तेरा। मैं साड़ी पर तेरा रिएक्शन देखती हूँ, देखता हूँ। सेवा ग्राम मैम साहब, मैं आपकी सेवा में यही हूँ। ये तुमने क्या बिछा दिया? टेबल क्लॉथ, आप ही तो नया लेकर आई हैं। ये टेबल क्लॉथ नहीं है, ये साड़ी है। ये नैना, ड्रैगन नहीं सह पाई बेचारी। नैना 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 बेटी सुनते हो? अच्छी सुनते हो, देखिए ना उठ नहीं रही है, प्याज का असर नहीं हो रहा। तो ये चप्पल ले लो। ची हटाओ। नैना बेटी उठ जा। नैना नैना हाँ उठ रही है। ब्रूसली नैना नैना देख मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो साड़ी तेरे लिए नहीं थी, वो तो शशि मौसी ने मुझे तोहफे में दी थी। लेकिन भाभी वो साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन और वो ड्रैगन, उसे एक बुरी कुंफू फिल्म समझ के भूल जाना बेटी। कुंफू क्या हो गया है आपको? नहीं कुंफू से याद आया, क्यों ना हम ये साड़ी उस कोने के चाइनीज फूड वाले को दे दे। साड़ी पर ड्रैगन देखेगा तो खुश होकर कम से कम फ्राइड राइस में चिकन तो थोड़ा ज्यादा डालेगा। शर्म नहीं आती आपको? एक जरा से एक्स्ट्रा चिकन के लिए एक पूरी साड़ी की बलि चढ़ाने चले हैं। जरा सोचो तो मालती, इसमें बुरा क्या है? तुम तो वो साड़ी पहनने वाली हो नहीं, नैना को भी देखकर चक्कर आ गए। और तो और उस चाइनीज फूड वाले की पिछले हफ्ते ही तीसरी शादी हुई। तीसरी? हाँ भाभी, साड़ी उसकी बीवी को खुश कर देगी और चुंगफा हमें। चुंगफा? उस चाइनीज फूड वाले का नाम? नहीं भाई, ये बात मेरी रास नहीं आती। लेकिन भाभी कम से कम वो साड़ी कोई तो पहनेगा ना। हाँ, और हम उससे जितना खाना मंगवाते हैं 2 महीने में ही साड़ी के पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अच्छा चलो, अगर आप लोग कहते हैं तो ठीक है। गुड, तो मैं अभी शाणे परिवार की तरफ से चुंगफा को उसकी तीसरी शादी का तोहफा देकर आता हूँ। देखो मालू देखो, 3 प्लेट फ्राइड राइस का चिकन एक ही प्लेट में। मैंने क्या कहा था, 1 प्लेट फ्राइड राइस में साड़ी के 30 रुपए वसूल हो गए। बहुत अच्छा आइडिया था आपका। बस भाई बस, अब दो तुम्हारे भाई को प्लेट, वरना वो बोल से ही खाना शुरू कर देंगे। लाओ लाओ। सेवक राम जरा देखो तो कौन आया है। जी। हाँ। आइए। अरे मिस्टर एंड मिसेस चुंगफा, नमस्ते नमस्ते, हाउ नाइस टू सी यू। लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपने फोन ही कर दिया होता। विरासोही नगर निगम समय उरहिमा है नगर दिल्ली विरासोही। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये साड़ी देकर आपने हमारा और हमारे देश का अपमान किया है। नहीं 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 नहीं, हमारा ऐसा इरादा नहीं। नगर निगम समय उरहिमा निगम समय उरहिमा है नगर सैल। क्या कह रही है? ये कह रही है कि फ्राइड राइस में अगर आपको चिकन ज्यादा चाहिए था तो हमको कह दिया होता। हमारा और हमारे देश का अपमान क्यों किया आपने? क्या हक है आपके? नहीं नहीं सॉरी, हम लोग अपमान नहीं करना चाह रहे थे ना। नाम और माहौल मीठे। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ मिलकर हमारे देश का भक्ति गीत गाना होगा। भक्ति गीत? पर हमको तो भक्ति गीत नहीं आता। अब क्या? ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम चाइनीज एम्बेसी में जाकर रिपोर्ट कर देंगे आपकी। नहीं नहीं, देखिए हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं और फ्रेश। बस अच्छा ठीक है, हम लोग गीत गा देते हैं। हाथ कैसे रखे? हाँ ऐसे रखे। चीची लुंगफा चीची लुंगफा ची सोंका चीची लुंगफा चीची लुंगफा एक करके प्लीज। चीनी मिनी चोंगे चाची चा
चीनी चोंगे चाची चा चाइना वो सी योंगी चा चाइना वो सी योंगी चा चीची लूंग फा चीची लूंग फा चीची सोंग का चीची सोंग का। ड्रैगन का डिजाइन होने के बावजूद एक चाइनीज औरत मेरे मुंह पर मार कर गई है। ये वाकई कमाल की गंदी साड़ी है ये। शुक्र मानो उन दोनों ने कंप्लेन नहीं की, वरना चाइना भी हमला बोल देती। सोचिए ना इसका क्या करना है। तुम्हारी है, तुम भी सोच लो। मेरी कोई मदद नहीं करता। मालती, शशि मौसी ने इतने प्यार से दी है, क्या कर रही हो तुम? भाभी हटिए हटिए। कोई गेम एनालाइज नहीं करने देता। भाभी आपने एक चीज नोटिस की, ये साड़ी किसी को पसंद नहीं आई। चलो ना सही, लेकिन सबको ना पसंद जरूर आई है। क्यों ना हम इस साड़ी का कोई दूसरा फायदा उठाएं? मतलब ये कि क्यों ना हम ये साड़ी किसी ऐसे रिश्तेदार को तोहफे में दे जिसे हम ना पसंद करते हैं। सुलभा मौसी। अरे मेरी सुलभा मौसी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है, क्यों भूल गए? हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर एक बिस्कुट का पैकेट लेकर के आ गई थी वो। हाँ भैया, जबकि भाभी ने उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी पर चांदी का सिक्का दिया था। नैना ठीक कह रही है, मैं आज ही ये साड़ी सुलभा मौसी को कुरियर कर देती हूँ। एक मिनट, लेकिन साड़ी को भेजने का कोई तो बहाना होना चाहिए ना हमारे पास। हाँ होना तो चाहिए। उसकी बेटी ग्रेजुएट हो गई। हाँ तो बस इसी खुशी में उसे भेज देते हैं। लेकिन उसकी बेटी को ग्रेजुएट हुए 3 साल हो चुके हैं भाभी। ओफो, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम उसे ये साड़ी क्रिसमस के लिए भेज दो। क्रिसमस? हाँ, अगर वो पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हम सभी धर्मों को अपना समझते हैं। गुड आइडिया। अपने अपने देखा ही नहीं। कहीं से आ रही है? नहीं, मार्केटिंग के लिए जा रही हो। आज संडे है ना, बाकी के 6 दिन मुझे अपनी सास की मार्केटिंग को टॉलरेट करना पड़ता है। तो कहीं से आ रही है? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी शॉपिंग करने गई थी। हेलो, शॉपिंग के लिए इतनी कीमती साड़ी? अब मैं क्या करूँ, मेरी तो सारी साड़ियाँ ऐसी ही हैं। अरे बाय द वे, तूने इसे पहचाना नहीं? नहीं। शशि मौसी की बेटी की शादी में मुझे मिली ये साड़ी। तुम्हें शशि मौसी ने दी है? विश्वास नहीं होता। सच पूछो तो विश्वास नहीं होता कि ये साड़ी तुम्हें शशि मौसी ने दी है। क्यों, नहीं देनी चाहिए थी? हाँ, कम से कम तुम्हें तो नहीं देनी चाहिए थी। मतलब मुझे दी हुई साड़ी तो तुमने देखी है ना, कम से कम 4,000 की तो होगी, और ये 1,200 की भी नहीं लगती। 1,200 की नहीं लगती ये जरी? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे 5,000 ना सही, कम से कम 3-4 हज़ार तक की तो देनी चाहिए थी, और जब मुझे दे सकती है तो तुम। अलका, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे जरा देर हो रही है। ये भी सोच रहे होंगे ये कहाँ रह गई मार्केट में। हाय राम, मतलब इस उम्र में भी तुम पर शक करते हैं? इस उम्र में मतलब? हाँ अलका, कुछ नहीं, क्या कहना चाह रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है, तुम्हें भी देर हो रही है। रिक्शा, अरे रिक्शा, चलो चलो चलो। वाह 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 वाह, शशि मौसी देख ली तुम्हारी मोहब्बत। अलका के लिए 3,500 की साड़ी और मेरे लिए सिर्फ 1,200 की। सेवाग्राम। मैम साहब, आपके इस तरह के कपड़े? ओह हाँ। डायरी चेक करनी है? नहीं नहीं रहने दो। ये आपका किमोनो? किमोनो? हाँ। ये साड़ी वापस आ गई? ये तुमको किमोनो नजर आता है? मुझे क्या पता मैडम,
जो मेम साहब ये ड्राई क्लीन कराने के लिए दे गई थी ना, उसने तो कहा था कि ये किमोनो आपका है। कौन सी मेम साहब? वो जो आपके यहाँ एक रात को रहने को आई थी और सुबह किमोनो पहन के ही चली गई थी, उसने कहा ड्राई क्लीन करो और आपको वापस लौटा दो। वाह 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 वा, सुलभा मौसी क्या आइडिया निकाला है। सुलभा मौसी की जरूरत देखी, हाँ हाँ, इतनी अच्छी साड़ी दी तो किमोनो कहकर ड्राई क्लीनर के हाथ वापस भिजवा दी। आई टेल यू, और ये शशि मौसी को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अलका के लिए बनारसी सिल्क और मेरे लिए ये जैकी चैन की लुंगी। सुनिए, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसे लुंगी समझकर रात में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? साड़ी घर में भी रहेगी और वैसे भी रात में मेरे सिवा आपको देखने वाला और है कौन, है ना? ठीक है मालू, तुम्हारे लिए मैं पहन लूंगा, लेकिन तुम हर रात इस ड्रैगन को देखना बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि इस साड़ी के 25 टुकड़े काट कर रुमाल बनाओ और शशि मौसी और उन सारे लोगों में बांट दो जो इस साड़ी कांड में शामिल है। साड़ी के 25 रुमाल बना दूं? और नहीं तो क्या, खिड़की के पर्दे बनाओगी तो पंछी चहकना छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूँ जिस साड़ी ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है उसके 25 टुकड़े उन 25 लोगों को 25 गुना ज्यादा दुख पहुंचाने की ताकत रखते हैं। यस, सही कहते। एक्सक्यूज मी भाभी, आई हैव अ बेटर आईडिया, आप क्यों ना ये साड़ी किसी बर्तन वाले को दे देते हैं? इस नई साड़ी के बदले आपको एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन तो मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो ड्रैगन है ना, वो अंदर की तरफ फोल्ड करके देना। अरे वाह मेरी नैनू, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ब्रिलियंट। साड़ी के बदले नॉनस्टिक फ्राइंग पैन। ओहो, अब बंद भी कर तेरी बहस। वैसे भी तेरे जाने के बाद मुझे हमेशा ब्लड प्रेशर हो जाता है। साड़ी बिल्कुल नहीं है, नॉनस्टिक में कुछ देना है तो दे, वरना जा रहने दे। देने को तो दे दूं मालती भाई, लेकिन मुझे साड़ी तो ठीक से देखने दो। वाह 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 वाह, पिछले 12 सालों से मैं तुझे साड़ियां दे रही हूँ, एक भी गलत साड़ी दी है क्या कभी तुझे? एक साड़ी नहीं देखेगी तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? मुझ पर विश्वास नहीं है तो जा रहने दे। विश्वास है मालती भाई, लेकिन ये साड़ी दिखाने में आप इतना हिचकिचा रही है तो मुझे थोड़ा सस्पिशन तो होगा ना। सस्पिशन? अरे वाह सस्पिशन वाली, ले अपने दिल की मुराद पूरी कर ले। देखा, साड़ी बिल्कुल नहीं है। देखने तो ना, क्या खोल खोल के देख रही है, नहीं है। ये देखने दो ना भाई। हाँ। नाराज मत होना मालती भाई, मुझे मालूम है ये साड़ी नवी है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये साड़ी आप मुझे क्यों दे रही है। इसके बदले मैं आपको ये कटोरी दे सकती हूँ। नई साड़ी के बदले में कटोरी? हाँ। वो भी जली हुई? ज्यादा से ज्यादा मैं ये चम्मच दे सकती हूँ। हाँ, साड़ी के बदले में चम्मच? अरे चम्मच तो आजकल नूडल के पैकेट के साथ मुफ्त मिलते हैं। हाँ। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, एक औरत होकर साड़ी के बदले में ये दे रही है, निर्लज्ज। आज के बाद मेरे घर की चौखट पे पैर रखा ना तो मेरा मरा हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भाभी इस बकवास साड़ी के बदले कटोरा चम्मच मिल ही रहा था ना, ले लेती और पूरी सोसाइटी में ये बात फैलने देती कि ए विंग की मालती शाणे ने नई साड़ी के बदले चम्मच और कटोरा लिया। ओफो मेरी गेम, अब तुम दोनों बंद करो ये बहस और तय कर दो कि आखिर इस मनहूस साड़ी का करना क्या है। मनहूस होगी तुम्हारी आधी चड्डी, सारा दिन पहन के पड़े रहते हो घर में, अब इसका क्या करें नैना? भाभी मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो भाभी, आइडिया ये है कि ये साड़ी बॉम्बे में ना सही लेकिन बॉम्बे के बाहर जरूर चल सकती है, स्पेशली दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लोग वैसे भी फैशन कॉन्शियस नहीं होते। सच, वहाँ की औरतों को तो कोई कलर सेंस नहीं होता, ऐसे लाउड कलर्स पहनती हैं। क्या पता ये ड्रैगन वाली साड़ी नॉर्थ इंडिया में क्रेज हो जाए। यानी कि साड़ी के लिए हमें बम्बई से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा? अरे नहीं भैया, क्यों ना हम ये साड़ी साउथ एक्सटेंशन वाली गुलमोहर चाची को दे दे। यानी कि हम बम्बई और साड़ी दिल्ली। गुड आइडिया, अब तो खेलने दो। गुल्लू चाय बहुत अच्छी बनाई है। मेरी माँ की यहाँ की पत्ती है, शक्कर थोड़ी कम है ना। ओए बिजी, तुम्हारा पार्सल आया। पार्सल? सुनते हो जी? हाँ जी।
बंबई से मालती ने भेजा है। 2 साल में पहली बार इस कुड़ी ने कुछ भेजा है मुझे। ओए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मालती को तुम पर अचानक इतना प्यार क्यों मड़ाया? प्यार तुम नहीं जानते जी, जरूर वो अगले हफ्ते दिल्ली आ रही होगी अपने ननद के साथ पालिका बाजार में शॉपिंग करने वास्ते। सोचा होगा गुलमोहर चाची के यहाँ रुक जाएगी, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा भी बच जाएगा और टेंशन भी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पालिका बाजार आ रही है शॉपिंग करने वास्ते? कर लो बात, अब इस उम्र में अपनी ननंद के साथ लाल किला तो देखने से रही। कुछ भी हो, उसे कुछ ना कुछ तो भेजना ही था। अगर भेजती नहीं तो कौन सा मुँह लेकर आती यहाँ पर? अच्छा अच्छा, बात बाद में कर लियो, पहले देख तो ले क्या है। वो तो कमाल है जी, मालती को कैसे पता चला कि अपने पर्दे पुराने हो चुके हैं? सुनो गुल्लू, ये पर्दा नहीं है, ये साड़ी है। हा? और तुम पर बहुत जच रही है। साड़ी? ऐसी? लेकिन ऐसी गंदी साड़ी तुम्हें क्यों भेजी? हा? मुझे पूरा विश्वास है तुम भी इतनी गंदी साड़ी कभी नहीं पहनती। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये साड़ी उसको तोहफे के तौर पर मिली होगी। किसने दी होगी? शशि ने दी होगी उसे ये साड़ी। उसे खुद को पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उसने अपनी ननद के सर पे मरने की सोची होगी। वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली तो सोचा होगा गुल्लू चाची को भेज देते हैं। वैसे भी दिल्ली वाले को क्या पता चलता है फैशन क्या होती है। लेकिन वो ये भूल गई कि सुपरस्टार गोविंदा तो बम्बई से ही है ना। लेकिन हम भी कुछ गए गुजरे नहीं है, इसका मुँह तोड़ जवाब। ओए, तू उसका मुँह तोड़ देगी? ना जी ना, मैं क्यों कानून हाथ में लेने लगी। लेकिन मेरे दिमाग विच एक बेटर आइडिया आया है जी। आइडिया? अपने भाई साहब है ना, आर्मी वाले भाई साहब, अनिल भाई साहब। हाँ। वो बॉर्डर से तो आ गए होंगे। हाँ जी। हाँ, उसे फोन करके कह दो एक और दुश्मन बाकी है मारना। मैं दावे के साथ कहती हूँ अभी तक तो वो साड़ी पहन करके गुलमोहर चाची ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में घूम रही हो। जैकी चान इन दिल्ली। देख लेना भाभी, थैंक्स कहने के लिए रात को 11 बजे के बाद फोन आ ही जाएगा। 11 बजे के बाद क्यों? 11 बजे के बाद कोई अच्छा मुहूर्त है क्या? अरे नहीं भैया, रात को 11 बजे के बाद एसटीडी का बिल 1/4 हो जाता है। कॉमन सेंस। सेवाग्राम जरा देखो। ये मिसेस शहाणे के लिए। अच्छा अच्छा, मेम साहब के लिए? मेम साहब? नहीं नहीं नहीं, आज तो केक नैना ही काटेंगे। केक कोई भी काटे मगर गाना मैं गाऊंगा। आपके लिए आर्मी से कोई पार्सल आया है। आर्मी से? साथ में खत भी है। लाओ इधर लाओ, दिखाओ क्या है इसमें। किसी मेजर नरेंद्र चौहान का है। प्रिय मालती बहन, जंग के दौरान हम सिपाहियों की जो हौसला अफजाई आप जैसी बहनों ने की, उसी से प्रेरणा लेकर हम विजयी हुए। हम इस प्यार को कभी नहीं भुला सकते। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप भाई दूज के पावन अवसर पर हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। आपका फौजी भाई मेजर नरेंद्र चौहान। हाउ स्वीट। वेरी गुड। हाउ स्वीट। खोलकर देखो। आज का दिन तो वाकई लकी है ना। वो साड़ी भी चली गई और एक फौजी भाई की बहन भी मैं बन गई। जल्दी भाभी। उसी डिजाइन की दूसरी साड़ी? ओ, मैंने बेकार में शशि मौसी की दी हुई साड़ी दिल्ली भेज दी। लेकिन ये साड़ी मैं पहनूंगी। ये साड़ी पहनोगी? क्यों? क्योंकि जरूर ये कोई नया फैशन है। देखा नहीं, एक ही दिन में मार्केट में इसके प्रिंट्स भी फैल गए। ये साड़ी तो मैं जरूर पहनूंगी। धीरे धीरे हाल हाल थम सलकते, धीरे धीरे हाल हाल थम सलकते।